हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल कारवर्ड में। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो अभी राइट में चली गई है, लेकिन गाड़ी सीधा जा रही है यहाँ देखिए। तो आज फ्रेंड मैं इसका सोल्यूशन आपको बताऊंगा कैसे आप लोग इसको घर पे ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड कैसे आप लोग इसको ठीक करेंगे घर पर, अगर आपकी गाड़ी में ऐसा ही स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट साइड में जा रही है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करता है। तो आपको फ्रेंड ऐसे ही इसको एडजस्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, स्टीयरिंग को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, इसको ऊपर को खोल लेना है। और अभी फ्रेंड यहाँ देखिए, आपको ऐसा एक सॉकेट चाहिए, ये 18 नंबर वाला सॉकेट है। यहाँ देखिए, इसको करना क्या है फ्रेंड, लेफ्ट साइड में घुमाना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टीयरिंग खुल जाएगा। और अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, इसमें ऐसे प्रेस करना है, ठीक है, ऐसे ही। उसके बाद यह से लूज होगी। यह देखिए, इसमें ग्रिप है, ठीक है। यह देखिए, अभी इसका जो हुल है फ्रेंड वो हुल पूरा स्ट्रेट है। आपको बस इसका जो स्टीयरिंग है इसको सीधा लगा देना है। और अभी फ्रेंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको इसके बारे में पता नहीं है, हमारा जो हॉर्न होती है फ्रेंड, हॉर्न सभी गाड़ियों में ऐसा ही होती है। यहाँ देखिए, ये हमारा हॉर्न है, क्योंकि इसमें हमारा ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये स्टील इसमें आके टच होती है, और ये हमारा नेगेटिव कनेक्शन है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें अगर आप लोग टच करेंगे तो हमारा हॉर्न चलेगी। यह देखिए, ठीक है। और इधर देखिए फ्रेंड, नॉन एयरबैग लिखा है यह, तो इसका मतलब इसमें एयरबैग नहीं है। तो चलिए इसको अभी सीधा करके लगाते हैं, ठीक है। यह देखिए, अभी पूरा स्ट्रेट हो गए। तो चलिए अभी मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर ये सीधा है फ्रेंड तो आपको क्या करना है, इस बोल्ट को लगा के टाइट कर देना है। यह देखिए, अभी पूरा सीधा जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका जो बोल्ट है बोल्ट को लगा के टाइट कर देते हैं। और ऐसा नहीं है फ्रेंड कि आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी आ सकती है, ठीक है। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग को सब कुछ जानना ज़रूरी है अगर आप लोग इंडिका यूज़ कर रहे हैं। और कभी कभी ऐसा साउंड आती है फ्रेंड, यहाँ देखिए, अगर आपका ये स्टीयरिंग बोल्ट लूज है तो ऐसे साउंड आएगी। अब ये पूरा ठीक हो गया है, ठीक है। तो
चलिए फ्रेंड, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।